इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सबसे पुराने सशस्त्र समूह यूएनएलएफ ने डाले हथियार। मणिपुर में सक्रिय था अलगाववादी गुट, हिंसा छोड़कर मुख्य धारा में शामिल हुआ यूएनएलएफ। यूएनएलएफ ने शांति समझौते पर किए हस्ताक्षर, गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट करके जानकारी दी है। आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मणिपुर में सबसे पुराना सशस्त्र समूह यूएनएलएफ ने हिंसा छोड़कर मुख्य धारा में शामिल होने पर अब वो सहमत हो गया है। उन्होंने बताया कि यूएनएलएफ ने एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा, एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल हुई है। पूर्वोत्तर में स्थायी शांति स्थापित करने के मोदी सरकार के अथक प्रयासों में एक नया अध्याय जुड़ गया है, क्योंकि यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट ने आज नई दिल्ली में एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। गृह मंत्री ने कहा कि मणिपुर का सबसे पुराना घाटी स्थित सशस्त्र समूह यूएनएलएफ हिंसा छोड़कर मुख्य धारा में शामिल होने पर सहमत हो गया है। मैं लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में उनका स्वागत करता हूं और शांति और प्रगति के पथ पर उनकी यात्रा के लिए शुभकामनाएं देता हूं। एक और पोस्ट में गृह मंत्री ने कहा कि भारत सरकार और मणिपुर सरकार की ओर से यूएनएलएफ के साथ आज हस्ताक्षरित शांति समझौता 6 दशक लंबे सशस्त्र आंदोलन के अंत का प्रतीक है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सर्वसमावेशी विकास के दृष्टिकोण को साकार करने और पूर्वोत्तर भारत में युवाओं को बेहतर भविष्य प्रदान करने की दिशा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। इस वक्त की बड़ी खबर। VK News, राष्ट्र के नाम।